जब भी हम न्यूज देखते हैं वो एक्सचेंज रेट के बारे में बोल रहा होता है, डॉलर के बारे में बोल रहा होता है, भाई वर्ल्ड में इतनी सारी करेंसीज है, व्हाई न्यूज चैनल ऑलवेज टॉक अबाउट डॉलर? कुछ तो रीजन होगा। इतने सारे मेटल्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, रूबी है, कितना कुछ है, और एक से एक कॉस्टली प्रीशियस मेटल्स है, बट व्हाई दैट ओनली टॉक अबाउट गोल्ड? कि मार्केट में गोल्ड का प्राइस इतना है, सिल्वर का प्राइस इतना है, ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, दैट्स इट। और बाकी सारे मेटल्स कहाँ हैं? होते कि नहीं होते मेटल? इतने सारे मेटल्स होने के बाद भी सिर्फ गोल्ड और सिल्वर के बारे में ही न्यूज में क्यों दिखाया जाता है? न्यूज पेपर में क्यों के बारे में होता है? करेंसी की बात करेंगे तो सिर्फ डॉलर के बारे में होता है। ये इतनी सारी बेसिक चीजें हैं जो आप इस चैप्टर में सीखोगे, आपको पता लगेगा ये चैप्टर हमारी रियल लाइफ से कितना ज्यादा कनेक्टेड है और कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर समझना हमारे लिए। ये इकोनॉमिक्स में आपको बुकिश लैंग्वेज नहीं करवा रही, बेसिक्स बता रही हूँ जो बुक में है भी नहीं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट, नेम ऑफ द चैप्टर, नाम से क्लियर हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज, एक्सचेंज लेन देन अगर नहीं, फॉरेन एक्सपोर्ट थोड़ी होता है, लेन देन करना, और रेट मतलब किस रेट पर? तो जिस रेट पर एक कंट्री अपनी कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज करती है, उसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज दैट रेट एट विच रेट अ कंट्री एक्सचेंज इट्स करेंसी टू द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। वेरी सिंपल। अब चाहे आप हिंदी में, चाहे आप इंग्लिश में, मुझे किसी भी लैंग्वेज में सुनाइए, लक्ष्य है। कोई बच्चा अगर नाम बदल के आ रहा है तो मुझे बता देना कि आज हमारा नाम बदल चुका है, क्योंकि अगर आप एक आवाज में मेरे नाम नहीं सुनना, नाम नहीं सुनेंगे तो मैं यही सोचूंगी कि आपका नाम बदला हुआ ना आज, बताइए। समान का भाई साहब को मैं फॉरेन एक्सचेंज रेट बता रही हूँ, इनका समान सर करेंसी का। ये गलती मेरे 40% बच्चे करेंगे कि एक्सचेंज के अंदर वो समान एक्सचेंज करेंगे, जबकि एक्सचेंज क्या करना है? करेंसी को एक्सचेंज करना, मनी भी नहीं, करेंसी को एक्सचेंज करना है। किसको एक्सचेंज करना है? क्लियर हो गया? तो ये आपको क्लियर हो गया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग क्या होता है। वन मार्क क्वेश्चन। उसके बाद एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल, इंडिया $1 के बदले 83 रुपीज देता है या 82.79। जब से मैं पढ़ा रही हूँ हर बार की डेली फ्लक्चुएशन होती है, किसी दिन आपको 82.92 मिलेगा, किसी दिन 83 मिलेगा, 83.5 मिलेगा। अब ये फ्लक्चुएशन क्यों होती है वो भी मैं समझाऊंगी। तो इंडिया, मैंने ग्राउंड फिगर ले लिया, इंडिया ने 83 रुपीज दिया, $1 लिया, दिस इज आवर एक्सचेंज रेट, दिस इज आवर एक्सचेंज रेट। अमेरिका ने $1 दिया, 83 रुपीज लिया, दिस इज अमेरिका एक्सचेंज रेट। तो जो देगा, जो ले रहा है, वो उसका एक्सचेंज रेट है। हमने क्या दिया? 83 रुपीज। क्या लिया? दिस इज आवर एक्सचेंज रेट। क्लियर? तो ये आपका एग्जांपल है उसको लिखने के लिए। गॉट इट? अब तो फिर दोबारा मैंने एग्जांपल में भी डॉलर लिया, नोटिस किया आपने? एग्जांपल में भी मैंने डॉलर लिया। क्यों लिया तो बताऊंगी कि हर बात पे डॉलर के पीछे क्यों बड़े हाथ होते हैं। समझ में आ गया? फॉरेन एक्सचेंज रेट 3 टाइप का होता है। 3, ये भी आपका वन मार्क क्वेश्चन, कितने टाइप का होता है? नंबर 1, फिक्स एक्सचेंज रेट। नंबर 2, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। नंबर 3, मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग, अब इसमें समझाने वाली बात क्या है? वन मार्क क्वेश्चन, कितने टाइप का होता है? 3 टाइप, फिक्स, फ्लेक्सिबल, मैनेज। अगेन वन मार्क क्वेश्चन, विच वन इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट? इनमें से मार्केट में कौन सा वाला चल रहा है? ऑब्वियसली लास्ट वाला ही होगा। मैनेज फ्लोटिंग प्रिवेलिंग इन द मार्केट, ये वन मार्क क्वेश्चन है कि कौन सा अभी चल रहा है। वो दोनों बंद हुए होंगे तभी तो ये वाला आया होगा। ठीक है, तो करंट में ये वाला चल रहा है, वन मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट वन मार्क, फ्लेक्सिबल का दूसरा नाम क्या है? फ्लोटिंग। फ्लेक्सिबल का दूसरा नाम क्या है? फ्लोटिंग। अब यहाँ बच्चे गड़बड़ करेंगे, क्योंकि ये मैनेज फ्लोटिंग है, वो सिंगल फ्लोटिंग है। अब बच्चे के दिमाग में फ्लोटिंग में यही वाला याद रहता है, तो उसको अगर मैं फ्लोटिंग दूंगी भी ना, तो बच्चे यही वाला आंसर लिख के लाते कि फ्लोटिंग तो यही वाली थी, इसी को फ्लोट करो। नहीं, सिंगल फ्लोटिंग ये वाली। ओके, मैनेज फ्लोटिंग का दूसरा नाम है डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी मतलब गंदा वाला। अभी वो गंदा वाला क्यों, ये भी समझाऊंगी मैं आपको।
आपको, रीजन क्या है कि इसको गंदा बोलते हैं, ठीक है। डर्टी फ्लोटिंग, इसका नाम क्या है? फ्लोटिंग। ये है फिक्स्ड, इसका नाम क्या है? क्लीन फ्लोटिंग। वो गंदा देता दिया, ये वाला क्या है? ये क्लीन फ्लोटिंग। वो सॉरी नॉट फ्लोटिंग, फ्लोटिंग तो है ही नहीं, ये क्लीन। गंदा मत करवाया करो, ये क्लीन है, ये फ्लोटिंग है, ये डर्टी है, ये इनके अदर नेम्स। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ जाओ, कोई परेशानी? ओके, मैं इसको इरेज कर रही हूं। यहां तक इसे नोट डाउन करना, साथ साथ नोट डाउन कर लो, कर लिया करो, कुछ वेट मत किया करो मेरा कि मैं बोलूं। जल्दी स्टार्ट, वहां तक आपको हो गया क्लियर? अब आप सीखोगे बड़ी प्यारी प्यारी लॉजिकल बातें, जैसे कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता क्या। फिक्स्ड नाम से क्लियर हो रहा है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें जो एक्सचेंज रेट होता है वो फिक्स होता है, देयर इज नो फ्लक्चुएशन। जो भी आपने एक्सचेंज रेट सेट किया वो फिक्स रहेगा, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगी। अब मैं ये नहीं कहूंगी $1 इक्वल टू 82, ये बोलूंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो फिक्स्ड हुआ था किस तरीके से हुआ था उसका आगे एग्जाम्पल लेके से चल रहे हैं। क्योंकि फिक्स्ड, पहले वन मार्क क्वेश्चन, हु डिटरमाइन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, या इसमें जो करेंसी का एक्सचेंज रेट सेट होता है वो कौन करता? इसका आंसर है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। जिस भी कंट्री की जो भी मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, सपोज दैट RBI, बट RBI तो इंडिया की है, अगर वो सिंपली पूछता है कौन करता है तो आपको बोलना मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। अगर वो पूछता है इंडिया की कौन करता है, देन यू कैन से RBI, तो गलत नहीं है। और अगर RBI भी दिमाग में नहीं आ रहा तो आप देख सकते हो गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का हर कंट्री का उसमें आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट लिख लीजिए, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री लिख लीजिए, और पर्टिकुलर इंडिया आता तो आप RBI बोल सकते हैं, नोटा दिखती है। ओके, फिक्स एक्सचेंज रेट टू टाइप का होता है, ये होता था, अब तो है भी नहीं, दिस इज नॉट प्रिवेलिंग इन द मार्केट, रेट खत्म हो चुका है। इसके अंदर में दो सिस्टम थे, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और ब्रेड एंड मिल्क सिस्टम। अब मैं रैंडमली किसी से पूछने वाली हूँ, इसलिए अपने कान के ढक्कन खोल के बैठी। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और ब्रेड एंड मिल्क सिस्टम, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम, पहले एक बड़ा प्यारा सा वर्ड बता दें, अंडर दिस सिस्टम ऑल द करेंसीज वर पेग्ड इनटू गोल्ड, PEG पेग। कोई मुझे PEG पेग वर्ड का मीनिंग बताएगा? आई कैन रीड योर फेसेस, मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं, बट जिस भी टर्म में सोच रहे हैं आप मुझे पेग वर्ड का मीनिंग बताओ। पेग क्या होता है? पेग क्या होता है? आप मुझे पता है दिमाग में क्या चल रहा है, जिसके दिमाग में जो भी चल रहा है मुझे पेग का मीनिंग बताओ। पेग का मीनिंग तो इसमें ऑल दी करेंसीज वर पेग्ड इनटू गोल्ड, सभी करेंसीज को गोल्ड में पेग किया जाता है। पेग का मतलब मेजर। अब कुछ बच्चे कह रहे हो कि मैडम सिंपल मेजर क्यों नहीं बोल देते आप, क्यों खामा खा में परेशान कर रहे हो? तो मैं आपको परेशान नहीं कर रही, मेरे पढ़ाने के बाद जब आप बुक खोलोगे और आपको कहोगे मैम ये कौन सी लैंग्वेज है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। पेग, तो ऑल दी करेंसीज वर पेग्ड इनटू गोल्ड, वर पेग्ड इनटू गोल्ड। अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि सारी करेंसीज को गोल्ड में पैक किया गया, ठीक है। अब मान के चलते हैं कुछ करेंसी, सपोज दैट मैं अमेरिका की, ठीक है, और मेरे पास डॉलर है। अब ऑब्वियसली अमेरिका की हूँ तो डॉलर होंगे, मेरा एक डॉलर है, ये डॉलर है, एज्यूम करने भाई ये मेरा एक डॉलर है और ये डॉलर है 4 ग्राम गोल्ड का, ठीक है। इस डॉलर का वेट है 4 ग्राम गोल्ड, ठीक। नंदनी आपको किस कंट्री का बनना है? किसी भी कंट्री का बनते हो? नहीं, इंडिया का नहीं, कोई अदर करेंसी, कंट्री अदर करेंसी। चाइना की करेंसी? जिस भी कंट्री के आप बन रहे हो उस कंट्री की करेंसी बताओ, तेज बोलो, आपको बने भी बैठे। कोई बच्चा किसी दूसरी कंट्री का बन गया जिसकी करेंसी आपको बताओ, खड़े हुई किसी भी कंट्री का, कोरिया की, आप खड़े हुई है। आप देखिए आपके पास कौन सी करेंसी है? बॉल। अब आपके पास जो करेंसी है ना उसका वेट है 2 ग्राम, ठीक है, कितना वेट है 2 ग्राम। अब ये इसकी करेंसी ने मुझसे कुछ खरीदना चाहती, ठीक है, ध्यान से सुनना।
प्राइस इज डॉलर, बट शी डजंट हैव डॉलर। इसके पास डॉलर है नहीं है, इसके पास क्या है? अपनी करेंसी है। तो अब ये मुझे अपनी करेंसी, मेरी करेंसी के गोल्ड की टर्म में मेजर करके देखो। तो मेरा गोल्ड जो है, मेरा कॉइन जो है, ये मेरा डॉलर 4 ग्राम गोल्ड का, अब ये मुझे कितने अपनी अपनी करेंसी कितने कॉइन देगी? क्योंकि इसकी करेंसी में 2 ग्राम गोल्ड है, तो आप मुझे कितने दोगे? लाइफ। अब मैं इसको एक पानी की बोतल दूं, मुझे पापा नहीं है, बैठ जाओ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। आ गया समझ में? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में ओल्डी करेंसीज पर पैक इन टू गोल्ड, सारी करेंसीज को गोल्ड में पैक किया गया था। जो एक्सचेंज होता था वो गोल्ड के वेट के अकॉर्डिंग होता था। जैसे मेरी करेंसी अगर 2 ग्राम के सपोज दैट, और मुझे बाहर से कुछ लेना है, तो मुझे उसकी करेंसी से मतलब नहीं है, मुझे उसकी करेंसी में गोल्ड के वेट से मतलब है, मैं उतना गोल्ड उसको दूँ। तो ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया वो आप प्रॉपर लिखे नहीं यहाँ। पहले तो आप एक सेंटेंस लिखेंगे कि ओल्ड दी करेंसी पर पैक इन टू गोल्ड, उसके बाद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में यही कि मेरा गोल्ड जो है, मेरा डॉलर 4 ग्राम गोल्ड का, उसका पाउंड जो है वो 2 ग्राम गोल्ड का है, हमने एक्सचेंज किया, तो हमारा एक्सचेंज रेशियो जो होगा, मतलब वो 2 ग्राम वो 2 कॉइन देगी, फिर मैं एक अपना जो भी देना है एक कॉइन दूंगी या जो मटीरियल देना। व्हाट इट बताए, ये समझ में आया? ओके, जिसको नहीं आया रेज देयर हैंड प्लीज, मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी, आप बता सकते हैं। ओके फाइन, तो आपको क्या लगता है, वाज दिस सिस्टम गुड और बैड? बैड। रीजन बैड क्यों? बैड क्यों? बिकॉज ऑफ द आउटफ्लो ऑफ करेंसी, आउटफ्लो ऑफ गोल्ड, बिकॉज ऑफ द। अब सपोज दैट हमें कुछ बाहर से परचेज करना है, तो हमें क्या देना पड़ेगा? गोल्ड। और तो सारे गोल्ड का आउटफ्लो हो जाएगा, दैट इज व्हाई इस सिस्टम को बंद कर दिया। लेकिन सिस्टम को बंद ऐसे नहीं किया जाता, किसी भी सिस्टम को, सिस्टम को बंद करने से पहले न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है, और न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करने से पहले मीटिंग होती है, इसको बंद कर रहे हैं, नया सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मीटिंग हुई होगी। उस सिस्टम को बंद करके ये वाला सिस्टम स्टार्ट किया। इस सिस्टम का नाम था ब्रेटन वुड्स सिस्टम, ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ये 1944 में इसके लिए पेटेंट पड़ी, 1944। ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया। इस मीटिंग में क्या था, जितनी भी कंट्रीज है उनके मेन मेन जो कंट्रीज होती है उनके गवर्नमेंट को बुलाया जाता है मीटिंग के लिए, तो उनको बुला के बोला कि बताइए क्या प्रॉब्लम है। सबने बोला कि हमें इस सिस्टम को बंद करना है, गोल्ड का आउटफ्लो बहुत ज़्यादा, तो हमें ये सिस्टम नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, फाइनली हम सब मिलकर बंद करते हैं, नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं। अब वो नया सिस्टम क्या था? ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ब्रेटन वुड्स सिस्टम में उन्होंने कहा कि हम सारे काम करते हैं एक्सचेंज करने के लिए एक कॉमन करेंसी रख लेते हैं। सपोज दैट इंडिया को अमेरिका से कुछ लेना है, इंडिया को सऊदी अरेबिया से पेट्रोल लेना है, कहीं से मशीन लेनी है, कहीं से मसाले लेने हैं, कुछ भी लेन देन करना है, तो हम एक कॉमन करेंसी रख लेते हैं, और वो कॉमन करेंसी रखते हैं डॉलर। दैट मीन्स वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं अगर वो आपस में ट्रेड करती हैं, तो ट्रेडिंग का एक कॉमन करेंसी रहेगी डॉलर। अदर करेंसीज में आप ट्रेड नहीं कर सकते। समझ में आया आपको? दैट इज वाई आप न्यूज़ में बार बार डॉलर ही सुनते हैं, और डॉलर के रेट ही अप डाउन देखते रहते हैं। कभी आपने न्यूज़ में ये नहीं देखा होगा कि ये वर्ल्ड की हाइएस्ट करेंसी है, इस करेंसी का रेट गिर गया, मतलब ही नहीं है, ओनली डॉलर, दे टॉक अबाउट ओनली डॉलर। समझ में आया कि नहीं हुआ? क्योंकि 1944 में डिक्लेयर कर दिया गया कि हमें कॉमन करेंसी रखेंगे डॉलर। अब आगे इतने में कहाँ चेंज पड़ता है, डॉलर को रखिए कॉमन करेंसी, और बोला डॉलर को बना दो गोल्ड का, डॉलर को बना दो गोल्ड का। दैट इज वाई डायमंड ज्यादा कॉस्टली है, रूबी ज्यादा कॉस्टली है, प्लेटिनम ज्यादा कॉस्टली है, बट स्टिल इनकी कोई वैल्यू नहीं। आप आज डायमंड परचेज करो और कल सेल करने जाओ, डायमंड की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, जीरो, पत्थर। मतलब आज आप तभी तो लोग डायमंड नहीं परचेज करते। गोल्ड आप सऊदी अरब से भी परचेज करके लाओगे और इंडिया में भी आके सेल करोगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी। उल्टा वहाँ सस्ता है या महंगा है, आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, बट डायमंड आप किसी भी कंट्री से लेकर आ जाओ, पत्थर है वो पत्थर, उसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, रीसेल वैल्यू नहीं है, कहीं भी रीसेल वैल्यू नहीं है। जब तक आपके पास उसका कार्ड नहीं है, वो प्रॉपर वही लेगा जिससे आपने परचेज किया, आप किसी और को सेल करोगे नहीं बेटे। तभी वो टीवी में ऐड आती है ना, जब भी डायमंड की ऐड आती है, खुशियों की कोई कीमत नहीं है। वो ये कहना चाहता है कि अगर आपको खुशी मिल रही है करके तो खरीदो, सिर्फ खुशी मिलेगी, इन्वेस्टमेंट नहीं है। कहीं आप सोचो कि इन्वेस्टमेंट है, बट गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट है। आ गया समझ में? और एक बात बता दूं, हाँ जी, ये आपके लाइफ में, आपके फ्यूचर में काम आएगा। किसी को गिफ्ट करना हो ना, तो डायमंड की बजाय गोल्ड गिफ्ट करो। गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट है, मार्केट में गोल्ड की वैल्यू है। बैंक में भी आप गोल्ड को रख के लोन लेते हो, तो डायमंड लोन सुना है क्या?
गोल्ड लोन तो सुना होगा बहुत जगह, डायमंड लोन क्यों नहीं है? डायमंड तो ज्यादा महंगा है, सिल्वर लोन नहीं है, डायमंड लोन नहीं है। मुझे होता है अरे पतीले को, पतीले कह रहे वो बड़े बड़े बर्तन होते ना पीतल के, वो उनको की वैल्यू क्यों नहीं है? पत्थर होता है वो मेटल, ठीक है। अब आप मुझे बताइए डॉलर के बारे में और गोल्ड के बारे में क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब इस ब्रेड एंड बूट सिस्टम में हुआ क्या, अब सिस्टम के अंदर आते हैं। इस सिस्टम में ये हुआ कि सारा जितनी भी कंट्रीज हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए कॉमन करेंसी रखेंगे, उस कॉमन करेंसी का नाम डॉलर विल बी पैक्ड इन, वुड बी पैक्ड इन, डॉलर वुड बी पैक्ड इन गोल्ड। तो एक तो डॉलर रखो कॉमन, और डॉलर किसका बनाओगे? गोल्ड का। दैट मीन्स आप डोमेस्टिक ट्रेड चाहे आप किसी भी नोट में करो, सिक्के में करो, रुपया करो, कुछ भी करो, डजंट मैटर, बट इंटरनेशनल ट्रेडिंग के टाइम आपको डॉलर देना, और अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो डॉलर के अमाउंट पर गोल्ड देना। और स्टिल इफ यू वॉन्ट एनी फ्लक्चुएशन इन दैट सिस्टम, किसी भी तरह की आपको फ्लक्चुएशन चाहिए, दैट फ्लक्चुएशन इज पॉसिबल ओनली बाय IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। आप चाहते हो फ्लक्चुएशन हो, अप डाउन हो, तो वो सिर्फ IMF कर सकता है। अब मुझे बताओ वॉज दैट सिस्टम गुड और बैड? बैड, अगेन बैड, क्योंकि जिस रीजन से आपने ये बंद किया वो रीजन तो फिर भी सेम है, गोल्ड। इस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम? आउटफ्लो गोल्ड। क्या प्रॉब्लम था इस सिस्टम में? अब इस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है? आउटफ्लो गोल्ड। बात तो फिर वही आ रही है कि मुझे अगर कुछ लेना है बाहर से, जैसे मुझे इंडिया को सऊदी अरेबिया से पेट्रोल लेना है, तो पेट्रोल लेने के लिए डॉलर देना पड़ेगा, डॉलर नहीं है तो डॉलर के अमाउंट का गोल्ड हो, बात तो फिर वही आ गई। तो फाइनली 1977 में इस पूरे सिस्टम को बंद कर दिया कि हमें ये पसंद ही नहीं आ रहा, इसलिए फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम अबॉलिश हो गया, अब है ही नहीं मार्केट के अंदर, प्रिवेलिंग ही नहीं, बिल्कुल खत्म। बताइए भाई फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्लियर? यस। किसी को कोई परेशानी थोड़ी बहुत? नो मैम। बंद कर दे। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट क्या है हमारा? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। नाम से क्लियर हो रहा है, फ्लेक्सिबल, मूव करने वाला, चेंज करने वाला। अब ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, इसका आप दूसरा नाम बोल, आप इसको ये भी कह सकते हैं ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक है, या इट डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पर कैसे है? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, ये ऑटोमेटिक होता है। और ये जो आपको ना इससे केस स्टडी करेंगे, पहले मैं आपको सिंपल वाला समझा रही हूँ, उसके बाद केस स्टडी वाला। पहले सिंपल देखिए, सिंपल ये है कि इसको सेट कौन करता है, वो डिटरमाइन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ये ऑटोमेटिक सेट होता है, ऑटोमेटिक या डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। अब डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस कैसे, इसमें ध्यान देंगे, दो तीन छोटी छोटी बातें बताऊंगी, गलती नहीं होनी चाहिए। 11 से पढ़ते आ रहे हो आप, ये कौन सा कर्व होता है? डिमांड। कौन सा कर्व होता है? ये डिमांड। तो मैं एक काम करती हूँ, जल्दी नहीं आराम आराम से पढ़ाती हूँ, पहले डिमांड कर्व पढ़ाती हूँ, सारी बातें छोड़ूँ, कैसे हम यही पढ़ेंगे। डिमांड कर्व होता है, अब ये डिमांड कर्व किसका है? डिमांड किसकी कर रहे हो? नहीं, पहली बात इस चैप्टर में प्रोडक्ट को भूल जाओ, करेंसी, 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 कौन सी करेंसी? डॉलर, शाबाश। तो यहाँ पर डिमांड हो रही है डॉलर, यहाँ किसकी डिमांड हो रही है? डॉलर। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन करूंगी, आप सारे मुंह बंद रखेंगे, एक एक करके मुंह अपना ओपन करेंगे जब मैं बोलूँ। डिमांड कर रहे हैं आप डॉलर की, थोड़ी देर के लिए एज्यूम योर सेल्फ, आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम कीजिए, कृष्णा कह रहा हूँ आपको पता, थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम कीजिए आप सारे मल्टी मिलियनेयर हैं, कोई अंबानी जी का बेटा है, ठीक है ना, कोई अडानी का, तो आप सारे मल्टी मिलियनेयर हैं, ओके। बट स्टिल यू वांट फॉरेन करेंसी, क्योंकि हम ये क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे कि आंसर आप खुद देंगे, मैं बोलना ही नहीं चाहती। आप मुझे ये बताइए आपको इंडिया में रहते हुए फॉरेन करेंसी की नीड क्यों है? दिस इज माय क्वेश्चन। नीड का मतलब डिमांड, ओके। तो फॉरेन करेंसी की डिमांड आप क्यों करते हो? आप इंडियन हो, आप मुझे जवाब दो। बमजी क्यों करते हो आप? इंपोर्ट कराने के लिए। इंपोर्ट का, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। पॉइंट नोटिस कर देना कि मैं मालूम क्यों नोटिस कितने हो गए हैं। पॉइंट नंबर वन, इंपोर्ट करने के लिए। इफ वी वांट टू बाय समथिंग फ्रॉम अदर कंट्री, डेफिनेटली यू नीड डॉलर। तो फर्स्ट रीजन है मुझे डॉलर चाहिए, क्योंकि मुझे बाहर का कुछ मंगवाना है, इम्पोर्ट करना है।
along the reason girls use it like you. This road, any girl. अरे माइंड यूज करो, आप अपने आप को एज्यूम करो, आप भर्ती मिलेनियर हो, आप स्टूडेंट नहीं हो, ट्वेल्थ में यहाँ बैठे हो, बच्चे नहीं हो। हाँ जी बोलो बोलो। दिस इज माय क्वेश्चन ना कि क्यों चाहिए फॉरेन करेंसी। गर्ल्स डू रिप्लाई। भाई जवाब आपने दोगे आज मैं नहीं बताऊंगी। वेरी नाइस। असेट्स परचेज करने के लिए वेरी गुड। असेट्स परचेज को इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। और सेकंड पॉइंट इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर हमें फॉरेन कंट्री में कुछ एसेट्स परचेज करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, देन वी नीड फॉरेन करेंसी। अभी मैंने बोला मल्टी मिलियनेयर हो भाई, अमीरों की तरह सोचो। अमीर लोग क्या करते हैं पैसे से? और बताओ क्या करोगे? सोचो सोचो, अमीर लोगों को बार बार बोल रही हूँ। और क्यों चाहिए? सर्विसेज की पेमेंट के लिए। वेरी गुड। इन्होंने बाहर फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट की है, वहां पे उनकी सर्विसेज भी ले रहे होंगे, तो उन सर्विसेज की पेमेंट करनी है। लेबर को सैलरी लेनी है, देनी नहीं देनी, उसके लिए भी हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। और वेरी गुड, गुड पॉइंट। मैंने अभी बोला आप अमीर लोग हो, तो अमीरों के दोस्त भी अमीर होंगे। वेरी गुड। अब हमें क्या करना है? गिफ्ट देने हैं। हमारे फॉरनर जो फ्रेंड है उनको गिफ्ट देना है, गिफ्ट के लिए भी फॉरेन करेंसी चाहिए होगी। और एनी अदर रीजन बताइए। वेरी गुड। नेशन के लिए क्लैप करें। घूमने जाने का मतलब टूरिज्म, घूमने जाने का मतलब टूरिज्म। आप घूमने जाओगे, इंडियन करेंसी में जाओगे घूमने, डॉलर में जाओगे, तो हमें चाहिए टूरिज्म के लिए फॉरेन करेंसी, घूमने के लिए। अब एक मैं बताती हूँ जो आपके माइंड में आएगा ही नहीं, क्योंकि आप शरीफ बच्चे हो मेरे, आप इनोसेंट बच्चे हो मेरे, आपको चाहिए सट्टा खेलने के लिए। लेकिन ये वो वाला सट्टा नहीं है। ये सट्टे को हम लोग इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं स्पेकुलेशन। क्या बोलते हैं? स्पेकुलेशन। और इस सट्टे का मतलब है कि जब डॉलर का रेट 82 रुपीज हो उसको बाय कर दो, जब 83 हो उसको सेल कर दो, तो इसे बोलते हैं स्पेकुलेशन, सट्टा। तो ये आपको माइंड में आता भी नहीं, कितना मैं बोल देती हूँ। टूरिज्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, एसेट्स के लिए, इंपोर्ट के लिए, स्पेकुलेशन के, जो भी रीजन आपने दिए हैं। तो अगर डॉलर का रेट 90 रुपीज होगा तो मैं ज्यादा लूंगी या कम? क्योंकि सट्टा में तभी खेलूंगी जब कम होगा, गिफ्ट में तभी दूंगी जब सस्ता होगा, ऐसे थोड़ी ही महंगे में चलने के नहीं। अमीर का मतलब ऐसा थोड़ी होता है। अगर डॉलर होगा 85 का ज्यादा लेंगे हम, 83 का होगा और ज्यादा लेंगे, 82 का होगा और ज्यादा लेंगे, और 80 का होगा तो और ज्यादा लेंगे। ठीक है, दैट इज वाई डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लो। तो अब आपका एक क्वेश्चन, जो डॉलर है, डॉलर मतलब फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी का डिमांड कर्व कैसा होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव है ना, क्यों होता है? रीजन मैंने आपको दिए कि ये सारे रीजन हैं जिसके लिए वो डिमांड नहीं चाहते हैं। व्हाट इज वो रीजन जान लिया, क्योंकि हमने डिस्कस किया। आप बताइए डिमांड कर्व का नेगेटिव क्लियर है? रेस्ट हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, सप्लाई पॉजिटिव क्यों होता है, डॉलर होता है।